कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में जारी है पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक। आगामी बजट सत्र की तारीख पर लग सकती है मुहर। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर भी मंथन संभव। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने किया पार्टी उपाध्यक्षों के साथ मंथन। सरकार और संगठन के तालमेल पर दिया जोर। सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाना है मकसद। आयुष मिशन स्कीम के तहत पंजाब में खुलेंगे 50 बेड वाले दो आयुष अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने योग आयुर्वेद और होम्योपैथी पर दिया जोर। गुरुग्राम गैंगरेप मामले में पुलिस ने यूपी से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। फरार दोनों आरोपियों की भी हुई शिनाख्त। लापरवाही बरतने के मामले में एक महिला एएसआई को किया गया सस्पेंड। पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर के स्कूलों में आग लगवाती है आसियान द्रावी। एनआईए की एफआईआर में जिक्र। सबजार भट्ट के जनाजे में शामिल आतंकी दानिश अहमद ने किया सरेंडर। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में बदलाव नहीं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर में बदलाव नहीं। ईएमआई पर कोई असर नहीं।